के अलावा? क्या क्या मैं समझ नहीं पाया। नियर BHU, साइबर हेलो, है सर। क्या बोल। एड्रेस हमारे पास जो रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से नियर BHU सुंदरपुर, BHU रोड सुंदरपुर। अब आपको क्या लगता है कि ये एड्रेस माफी चाहूंगा, हमारे पास यही एड्रेस लिस्टेड है, पूरा एड्रेस लिस्टेड नहीं है, इतना ही एड्रेस हमारे पास। नहीं तो ये देखिए, ये तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सर मैं समझ रहा हूँ, हमारे पास एड्रेस यही लिस्टेड है कंप्लीट एड्रेस के नाम पे, और कोई एड्रेस लिस्टेड नहीं है इसके अलावा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। मुझे आपकी समझ पे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप पूरा बात सुने बिना ही सब कुछ समझ गए। आपको कम से कम इतना तो समझाया गया होगा ट्रेनिंग में कि कम से कम सामने की वाले की बात पूरी तरह से सुननी चाहिए। जी सर बताइए बताइए जस्ट सर। डायल ने पांडे ट्यूशन ब्यूरो का नंबर दिया। आप जस्ट डायल के एम्प्लाई होते हुए आपने नंबर दिया पांडे ट्यूशन ब्यूरो का, राइट? जी और मैंने जब पूछा कि पांडे ट्यूशन ब्यूरो का आप मुझे एड्रेस दीजिए, तो आपने जो एड्रेस बताया, आपको भी पता है कि एड्रेस पूरा नहीं है और एड्रेस को उल्टा सीधा लिखा गया है, बेसिर पैर का लिखा गया है, या आप भी समझ रहे हैं? सर मैं समझ रहा हूँ, बट हमारे पास इसके अलावा और कोई कंप्लीट एड्रेस लिस्टेड नहीं है, यही एड्रेस लिस्टेड आ रहा है हमारे पास, मैं आपसे मेरी ये बोल बात रहा हूँ। सुनो, मेरी बात तो तुम जी सुने नहीं। अब मैं ये कहने बताइए। अभी भी मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो पांडे ट्यूशन ब्यूरो है जिसने अपना एड्रेस जस्ट डायल को बताया है, जी ये एक नंबर का 420 आदमी है। और इस चार सर सौ सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, उस आइए आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूँ। जी सर मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, तो 420 नंबर का एक नंबर का 420 आदमी है, क्योंकि इसने अपना एड्रेस जानबूझकर गलत लिखवाया है। ओके सर अब किसी बनारस वासी को कोई भी असुविधा होगी तो इसको कैसे खोजेगा, ये बताइए। इस ट्यूशन ब्यूरो ने मेरा 500 रुपया लेकर भाग गया। तो मैंने आपने जस्ट डायल से ही नंबर लिया था, राइट? हाँ, ओके श्योर, अब मैं इसको कैसे खोजूंगी, ये आप बताइए। मैं आपकी कॉलर कंप्लीट में आपकी कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ सर, आप लाइन होल्ड कीजिए। Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. अरे मैडम, हिंदी बोलिए, हिंदुस्तान और हिंदी जिंदाबाद। बोलिए सर। मैडम, मैंने एक बार पांडे ट्यूशन ब्यूरो का नंबर लिया था जस्ट डायल से, और मैंने कहा कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि आप 500 रुपये लेकर आ जाइए DLW चौराहे पे। तो मैंने कहा भाई, जस्ट डायल पे मैंने आपका एड्रेस भी मांगा, तो उसने जो एड्रेस बताया वो एड्रेस पर्याप्त नहीं था पहुंचने लायक। हाँ जैसा जी कि आज भी मैंने आपके फ़ोन अटेंडेंट से कहा, तो उसने जो एड्रेस बताया वो पर्याप्त नहीं था कि वहाँ तक पहुँचा जा सके। इतना एड्रेस नहीं था कि वहाँ पे मैं पहुँच सकूँ या कोई भी पहुँच सके। ओके यह बात मैंने पांडे ट्यूशन ब्यूरो वाले जिसने फ़ोन रिसीव किया उससे भी मैंने कहा, तो उसने कहा कि भाई एड्रेस थोड़ा सा कम बेसी हो गया होगा, मैं तो इस समय DLW चब्लू चौराहे पे ही हूँ,
और आप आ जाइए, यहीं एक दुकान पे हूँ, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और मैं उससे गया और मैंने उसको 500 रुपये दे दिए रजिस्ट्रेशन का। हाँ जी। और उसके बाद से फिर वो मुझसे मिल ही नहीं रहा है, अब मैं उसको कहाँ खोजूँ? जस्ट डायल के कारण मेरा 500 नंबर भी नहीं लग रहा, आपने बताया। नंबर तो लग रहा है। ओके। कौन बोला? मैंने तो ये बोला ही नहीं कि नंबर नहीं लग रहा है। तो आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी नंबर के थ्रू? बहुत बार कोशिश किया। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी सर? वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आपकी कंप्लेन क्या है, मैं वो जान सकते हैं एग्जैक्टली? कंप्लेन देखिए, जस्ट कंप्लेन ये है कि जस्ट डायल पे पांडे ट्यूशन ब्यूरो का एड्रेस अपूर्ण लिखा गया है, अधूरा लिखा गया है, और जो कि पांडे ट्यूशन ब्यूरो ने जानबूझ के लिखवाया है लोगों को ठगने के लिए। जैसे कि मेरे साथ ठगी हो चुकी है, कोई भी व्यक्ति उसको फोन करता है, किसी चौराहे पे बुला लेता है, 500 रुपये लेता है, चलता बनता है। हाँ तो बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारा इसके लिए डिपार्टमेंट है कॉलर कंप्लेंट डिपार्टमेंट, मैं आपकी कॉल दोबारा से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए चेक कर लेती हूँ, बिकॉज हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट एक्शन लेने का जो राइट है वो हमारे डिपार्टमेंट के पास ही है। तो आपकी दोबारा से कॉल ट्रांसफर? नहीं नहीं, एक बात, मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। आपके क्लाइंट के पास जो अधिकार है वो तो ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉल रिकॉर्डिंग, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इसको मैं अपने एक यूट्यूब चैनल पर डालूंगा जिसका नाम है डिजाइनर साड़ी एंड मैथ, जिसमें 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अच्छा खासा व्यू आता है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला जाता है। जिसमें 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अच्छा खासा व्यू आता है, इन फ्यूचर चैनल और ग्रो करेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं तो ये तो औपचारिक कंप्लेन कर रहा हूँ जस्ट डायल को, इसके बाद मैं प्रशासन को भी कंप्लेन करूँगा, स्थानीय प्रशासन को भी और PMO को भी, कि जस्ट डायल एक फ्रॉड को 420 करने में सहयोग कर रहा है। आपको जो फर्दर डिपार्टमेंट है वो हमारा हेल्प करेगा, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको हेल्प करें, तो प्लीज अलाउ कीजिए मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करूँ। नहीं, वो तो आप कर ही रही हैं, मैंने अपनी योजना आपको बता दी, आप ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर कीजिए। हाँ, Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. Your call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. हेलो, आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी लग रही है, पर थोड़ा हिंदी में बोलिए क्योंकि मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ। बोलूँ? अब देखिए, एक बात मैं दो बार बोल चुका हूँ, थोड़ा सा मुझे सांस ले लेने दीजिए तो मैं बोलता हूँ। अब देखिए, एक पांडे ट्यूशन ब्यूरो है बनारस में तथा कथित रूप से, जिसका फ़ोन नंबर मैंने जस्ट डायल से लिया था। और इसका जो एड्रेस जस्ट डायल की वेबसाइट पे दिखाया गया है लिखित रूप से या मौखिक रूप से जो बताया जाता है,
वो अधूरा है, क्योंकि उस एड्रेस पे ना कोई व्यक्ति पहुंच सकता है ना कोई चिट्ठी पहुंच सकती है। चूंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना था तो मैंने उस नंबर पे फोन किया, तो फोन रिसीव करने वाले व्यक्ति ने कहा कि जस्ट डायल के कर्मचारियों ने ठीक से एड्रेस नहीं लिखा होगा, उसको बाद में सुधरवा दिया जाएगा। मैं फिलहाल DLW चौराहे पे हूँ, एक दुकान पे, आप 500 रुपया और अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन ले लूँगा, फिर आपको ट्यूशन उपलब्ध कराऊँगा। तो मैं 500 रुपये लेके वहाँ गया, उसको 500 रुपये मैंने दिया, उसके बाद वो चंपत हो गया, उसके बाद उसने मुझे कोई सर्विस नहीं दी। और यह काम मैं सुन रहा हूं कि मैंने और कुछ अपने टीचर बंधुओं से इस बारे में बात किया तो लोगों का कहना है नहीं उनके साथ भी यह सब हो चुका है। तो भाई जस्ट डायल 420 को क्यों सपोर्ट कर रहा है 420 करने के लिए, उसका पूरा एड्रेस क्यों नहीं शो किया जा रहा है? और ऐसा ही नहीं तो न जाने कितने लोग ठगे गए होंगे और न जाने कितने लोग ठगे जाएंगे। तो आप ये जस्ट डायल की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि कोई संस्था अगर जस्ट डायल की वेबसाइट पे अथोराइज रूप से दर्ज है, पेड सर्विस के साथ दर्ज है, जिसने पैसा दिया है जस्ट डायल को, तो उसका प्रॉपर एड्रेस सही से एड्रेस लिखा जाए कि ना लिखा जाए, ये बताइए आप मुझको। पांडे ट्यूशन ब्यूरो हाँ भाई बनारस में। नंबर लीजिए वहाँ पर। हेलो 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 जी, नंबर मांग रहा हूँ, नंबर है आपके? नंबर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो मैं बता पाऊंगा, होल्ड कीजिए। हेलो जी। हाँ नंबर नोट कीजिए, 91-52-15-46-40। इंग्लिश में बोल सकते हैं नंबर प्लीज? 9152154640। ओके, तो कितना अमाउंट पे किया आपने कंपनी को? क्या कितना अमाउंट पे किया आपने? 500 रुपीज इन कैश, 500 रुपीज नया वाला नोट दिए थे। क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप करते हो ड्यूशन वगैरह का कुछ लिखित में लिया आपने उनसे? भाई उन्होंने लिखित में कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई एक हमारा तो मतलब ऐसे ही है, यहाँ पे हम लिखित में कुछ नहीं देते हैं। सर ट्यूशन सर सेंटर पर जाते तो वहाँ पे लिखित में कुछ नहीं देते, आपने फिर उनका ट्यूशन सेंटर पूछा नहीं कहाँ पे है? नहीं नहीं ये आपको कौन बताया कि मैं ट्यूशन सेंटर पर जाता हूँ? नहीं नहीं आपने जो पूछा मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको कौन बताया कि मैं ट्यूशन सेंटर पर जाता हूँ इनके ट्यूशन सेंटर पर? तो आप ट्यूशन ब्यूरो का इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो किस चीज़ के लिए ले रहे हो आपने? मैं अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने बोला कि आप ट्यूशन सेंटर पे जाते हो, ट्यूशन सेंटर पे मैं जाता हूँ ये आपको कौन बताया? जाता हूँ नहीं, मैं उससे पूछ रहा हूँ आपसे, बता नहीं रहा हूँ आपको। क्या पूछ रहे हो बताओ? पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ पे उनके सेंटर में गए थे कि नहीं गए थे, मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं सेंटर पे जा ही नहीं सकता था क्योंकि जब मैं एड्रेस जो लिखा था उसको पे पहुँचने का प्रयास किया तो मैं पाया कि ये एड्रेस अधूरा है जो जस्ट डायल की वेबसाइट पे लिखा गया है। अच्छा, फिर मैंने फोन किया तो उस व्यक्ति ने कहा जिसने फोन उठाया जो नंबर मैंने लिया था जस्ट डायल की वेबसाइट से, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने तो एड्रेस जस्ट डायल के एम्प्लाई को पूरा बताया था, उसने शायद गलत नोट किया है, मैं बाद में कह के सही करवा लूंगा। मुझे सामान्य सी बात लगी कि हो सकता है क्लर्कियल मिस्टेक हो गई हो। तो उसने कहा कि भाई आप आ जाओ DLW चौराहे पे, अगर ट्यूशन लेना है तो 500 रुपये दो और कुछ डॉक्यूमेंट अपने दे दो और उसके बाद मैं तुमको ट्यूशन उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि जस्ट डायल मुझको ट्यूशन देता है, मैं वहाँ पेड मेंबर हूँ जस्ट डायल का।
और सही भी है क्योंकि उसका जो लोगो वगैरह बना है वो शो करता है कि नहीं पांडे ट्यूशन ब्यूरो पेड मेंबर है। तो मैं 500 रुपये दे दिया, उसके बाद फिर वो चंपत हो गया, उसके बाद न मुझे ट्यूशन दिया न कुछ दिया। मैं फ़ोन करता हूँ तो कभी फ़ोन नहीं उठाता है, कभी फ़ोन उठाने पर धमकाता है। अरे भाई करीब 20 दिन बीत गए हैं लगभग लगभग। ये नंबर आपका 6392123826। हाँ भाई मैं अपने ही फ़ोन से फ़ोन करता हूँ, दूसरा कोई मुझे नंबर क्यों देगा अपना फ़ोन। लाइन पर है, मैं इनको कॉन्फ्रेंस में लेके बात करते हैं। नहीं नहीं कॉन्फ्रेंस पे बात कराइए। हाँ सर। हाँ बताएं जी, पानी ट्यूशन ब्यूरो वाले लाइन से बात कर लीजिए। हाँ जी बात कराइए। हेलो हाँ पांडे ट्यूशन ब्यूरो से बोल रहे हैं। अब देखिए पांडे जी आपका नाम क्या है यार, अपना नाम बता दीजिए। नहीं नहीं मैं समस्या तो बताऊंगा पर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आप वही हैं या कोई और। अपना नाम बताने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ना बताएं, उसे बता देंगे तो ठीक रहेगा। क्या क्या नाम है?
सुरेश, सुरेश पांडे आपका नाम है? सुरेश सिंह नाम आपका है? अच्छा, तो सुरेश जी, आपने मुझे DLW चौराहे पे लगभग 20 दिन पहले बुलाया था और मुझसे 500 रुपये आपने लिए कि आप मुझे ट्यूशन दिलाएंगे रजिस्ट्रेशन के, उसके चौराहे पर जो DLW चौराहा कहिए या तिराहा कहिए, जो भी कह लीजिए, जहाँ पुलिस चौकी है। आए? हाँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा फोन पे कि भाई मैं आपके एड्रेस पे आना चाहता हूँ, ऑफिस पे आना चाहता हूँ, तो आपने कहा कि एड्रेस तो जो लिखा है वहाँ पूरा नहीं लिखा है, जस्ट डायल की गलती से शायद ऐसा हो गया। आपने बताया कि आपने पूरा सही एड्रेस दिया था और जस्ट डायल वाले ने गलत लिख दिया। आप अच्छा आप बताइए कि जो एड्रेस लिखा हुआ है जस्ट डायल की वेबसाइट पे, वो सही सही लिखा है, पूरा लिखा है? हाँ बताइए। हमको तो आपने ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया ही नहीं। नहीं, आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। अच्छा, आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए कि आपका जो एड्रेस दिया गया है वह सही और पूरा है? क्या एड्रेस आपने दिया है, जरा अपना एड्रेस बताइए अपने ट्यूशन ब्यूरो का। नहीं, एक एक कौन सा एड्रेस हुआ, सुंदरपुर कोई एड्रेस होता है? सुंदरपुर में तो हजारों बिल्डिंगें हैं, हजारों ऑफिसें हैं, पूरा एड्रेस बताइए। नहीं, हम क्या नियर महिला पॉलिटेक्निक, ये भी पूरा एड्रेस नहीं हुआ श्रीमान जी, आप पूरा एड्रेस बताइए जिससे कोई लेटर पहुंच सके, कोई आदमी पहुंच सके। हाँ, तो यही लिखा हुआ है, तो ये जानबूझ इसीलिए लिखा गया है कि आप चौराहे पे किसी दुकान पे आप बुलाते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि प्रमाण दीजिए। नहीं, यह तो आपका कहना है ना, यह तो आपका कहना है कि ऐसा नहीं होता है, पर वास्तविकता यह है कि मेरे साथ हो चुकी है, मेरे साथ अब ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि आपने गलत एड्रेस इसीलिए दिया है कि आप बातों में बहका के फुसला के किसी चौराहे पे किसी दुकान पे बुलाए, पैसा लिए और फिर उसके बाद पूछेंगे कि आपने कोई प्रमाण लिया है। आपके पास नहीं, आप बिजनेस करते हैं तो आप अपना बैलेंस शीट बनवाते हैं, कितना लेन देन का बैलेंस शीट बनवाते हैं आप? अगर इतना आप रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, रसीद देते हैं, तो आप बैलेंस शीट बनवाते हैं? एक सेकंड मिस्टर अनुराग, आपको बैलेंस शीट बनाना वो सब मत पूछिए। एक सेकंड मिस्टर सुरेश, आपका एड्रेस बताइए परफेक्ट इनको, ये आपके क्लासेस में विजिट करने। ये अपना नाम भी झूठ बता रहा है, इनका नाम सुरेश नहीं है, नाम भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है इनका नाम है, क्या नाम है इनका फिर? इनका नाम मैं बहुत लोगों से पता किया हूँ, कोई ठीक से बता नहीं पाया है, ये अपना नाम गलत बता रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, इनका क्लासेस में विजिट कर लीजिए आप, इनका क्लासेस में वहाँ पे विजिट कर। तो एड्रेस बताइए आप, पूरा एड्रेस बताइए। हेलो मिस्टर सुरेश, हेलो। हाँ सुरेश जी, कहाँ चले गए? मुझे सुरेश लाइन पे हो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं दोबारा लाइन पे। हाँ, मैं होल्ड किया हूँ। Thank you.
हेलो पार्टी के मैं सदा घोलता के लिए क्षमा चाहता हूँ। महिलापुर पॉलिटेक्निक एक वहाँ पे ही है उनका, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उनका, वहाँ पे आप जा सकते हो। ए भाई ए ए ए सुनो सुनो सुनो, उन्होंने ये कहा अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि पेमेंट आपने किया है तो उसके आगे फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज उन्होंने हमें ये चीज़ कहा है। उन्होंने आपके बारे में कहा है कि आप उनके वहाँ पे पहले पढ़ा चुके हैं, आपके कोई टीचर थे वहाँ पे, ये चीज बताया उन्होंने हमें। देखो भाई तुमसे क्या उसने पहले भी आपने कम, हाँ, तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है कम प्रोसेस करते हैं आगे कि आपने उनको पेमेंट किया। देखो देखो सुनो, देखो उसने तुमको क्या बताया है तुम जानते हो, कॉन्फ्रेंस पे मेरे सामने उसने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में। और महिला पॉलिटेक्निक के पास उनका बोर्ड लगा हुआ है, यह कोई एड्रेस नहीं हुआ। जस्ट डायल एक बड़ा नाम है और जस्ट डायल इस तरह से एड्रेस नहीं बताता है कि महिला पॉलिटेक्निक पे उसका बोर्ड लगा हुआ है। हम वो एड्रेस वैलिडेट कर लेंगे, आप एड्रेस वैलिडेशन के लिए चार दो तीन दिन बाद देख लीजिए हमारे वेबसाइट में जाके। नहीं, एक एग्जैक्ट टाइम हमको बता दीजिए, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए कि कितने दिन के बाद या कितने घंटे के अंदर आप उसका प्रॉपर एड्रेस अपने जस्ट डायल पे मेंशन करेंगे। दो या तीन दिन के बाद देख लीजिएगा। नहीं दो या तीन नहीं, आप तीन बताइए ना, 72 घंटे 72 आवर बाद। तीन दिन ले लीजिए बस। नहीं बस क्या एहसान कर रहे हो, तुमको यहाँ पे देश में तुमको दिया गया है जस्ट डायल को सर्विस देने के लिए, तो एहसान करने के लिए नहीं दिया गया है,
ठगों का साथ देने के लिए नहीं दिया गया है। हम कोई हमने ये नहीं कहा कि आपको एहसान करने के लिए यहाँ पे, मैंने तो कुछ वर्ड यूज ही नहीं किया। नहीं, तुम्हारे कहने का जो टोन था वो ठीक नहीं था, और तुमने ये भी बता दिया कि गुपचुप तरीके से जो उसने तुम्हारे बारे में क्या बताया। तुमको मैं ये भी बता दूं कि उसने कॉन्फ्रेंस पे जो अपना नाम बताया है वो भी गलत बताया। तुमको मैं ये बता दूं जो कॉन्फ्रेंस पे अपना नाम बताया सुरेश सिंह वो भी गलत बताया। तो आपको क्या पता फिर, क्या सही नाम उनका बताइए आप। नहीं, जब मैं समझ रहा हूँ कि ये पांडे ट्यूशन ब्यूरो के नाम से है तो इसका पांडे होना चाहिए। तुम नहीं, आप नहीं, सुनो, जरूरी नहीं होता है वहाँ पे स्टाफ भी हो सकता है जो कॉल रिसीव कर सके इंक्वायरी के लिए। अच्छा, ठीक, मैं आपकी बात मान लिया। जस्ट डायल के रिकॉर्ड के अनुसार पांडे ट्यूशन ब्यूरो के ओनर का नाम क्या है, आप बताइए। उनके ओनर का नाम है मिस्टर राजेश कुमार पांडे। क्या नाम है? राजेश कुमार पांडे। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो व्यक्ति अभी फोन उठाया था वो उनका कोई क्लर्क वगैरह रहा होगा जो अपना नाम सुरेश सिंह बता रहा था। वहाँ के स्टाफ हो सकते हैं जो इंक्वायरी। हाँ, मतलब उनका कोई स्टाफ हो सकता है जो बताया ये चीज। हाँ, पर उसने तो ये बात फोन पे नहीं कहा कि वो वहाँ का स्टाफ है। उसने अपने पांडे ट्यूशन ब्यूरो का ओनर के रूप में बात किया। डिफॉल्टर मतलब मैं दिवालिया। डिफॉल्टर मतलब वहाँ के आप टीचर रह चुके हैं वहाँ पे, आपने पढ़ा चुके हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब तो डिफॉल्टर तो बात नहीं करना चाहते। अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने उनसे सर्विस की है, आप हमें प्रूफ दीजिए, फिर हम उनसे फोन कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए, नहीं, अब ये तो आप ही कह रहे हैं कि मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, अब उसके बाद प्रूफ भी देना होगा। ये तो आप ही कह रहे हैं कि उनका कहना है कि मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, तो अब इसके मतलब इसको भी प्रूफ देना पड़ेगा जो आप जो चीज खुद ही कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपने पेमेंट किया, आपने सर्विस के लिए पेमेंट किया, आप वो बोल रहे ना, आप उसकी इसका प्रूफ हमें दीजिए। हाँ, मैंने सिर्फ पेमेंट दिया है, मैंने सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, और मैं पढ़ाया ही नहीं, मुझे पढ़ाने के लिए भी दिया ही नहीं गया। अब उन्होंने मुझे उन्होंने अगर मुझसे पढ़वाया है, मेरे कारण उनको फीस मिली है, तो वो कोई प्रमाण दे सकते हैं कि मुझे किस डेट को किस एड्रेस पे भेजा गया, वहाँ से कितना पेमेंट पाए। आपने पेमेंट किस चीज के लिए दिया था? आपने पेमेंट ट्यूशन लेने के लिए लिया था, किसी के ट्यूशन लेने के लिए लिया था, या वहाँ पे ऐसा टीचर ज्वाइन करने के लिए आपने पेमेंट किया था उनको? ऐसे टीचर ज्वाइन करने के लिए 500 रुपये मैंने दिए थे। तो फिर वो सर, वो आपका कंसर्न है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, ये कोई प्लेसमेंट कंपनी नहीं है, ये एज ए स्टूडेंट के लिए हमारे पास रजिस्टर किया है, वो आपका इंटरनल डील का, तो आपको इंडिविजुअली बात करना होगा। ए भाई, सुनो मेरी बात सुनो। अब इसका एड्रेस मुझे पूरा पता है नहीं, क्योंकि जस्ट डायल पे इसका पूरा एड्रेस नहीं लिखा है। मुझे इसकी शिकायत करनी है शासन प्रशासन से। हाँ, तो शासन प्रशासन में किसी की शिकायत करने के लिए उसका एड्रेस दिया जाता है, ठीक। तो मुझे पूरा एड्रेस तुम दे दो। अब मैं अगर कंप्लेन में लिखूंगा महिला पॉलिटेक्निक पे उसका बोर्ड लगा है, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पे, कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं, तो 3 दिन में उसका पूरा एड्रेस आप लिख दोगे? हाँ, ठीक है, मैं 3 दिन इंतजार करता हूँ। आज क्या तारीख है? 10 तारीख है ना? 10 अगस्त 2019 है, मतलब 11, 12, 13 अगस्त 2019 को 1:30 बजे तक अपडेट हो जाएगी। चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक।